वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन स्वागत करता हूं आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यूट्यूब का मैं आज आपके लिए एक स्मॉल कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको यूट्यूब के बारे में 10 यूट्यूब के ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपने चैनल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमें अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ओपन कर लेनी है यूट्यूब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी यूट्यूब को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कोर्स का ओवरव्यू कि कोर्स में हम क्या क्या बातें करने जा रहे हैं। कोर्स में फ्रेंड्स हम 10 बातें करेंगे, जिसमें कि हमारे पास बेसिक आ जाएगा कि हमें चैनल क्रिएट करने से पहले कौन सी बातों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे लोगों को कैसे ऐड करना है, चैनल का हमें नेम कैसे रखना है, चैनल आर्ट कैसी होनी चाहिए, चैनल की हमें कौन सी सेटिंग करनी चाहिए कि हमारा चैनल फर्स्ट रैंक पर हो, चैनल के लिए हमें टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल है वो कहाँ से कॉपी करने हैं, कहाँ से हमें सबसे बेस्ट CPC मिल रही है, किस देश के अकॉर्डिंग हमें वीडियो डालनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी की हमें वीडियो डालनी चाहिए हमें ज़्यादा अर्निंग हो, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और हम अपलोड वेग की बात करेंगे कि हमें किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना चाहिए, कब कब वीडियो को अपलोड करना चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको 2 इसमें बोनस फैक्ट भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो चैनल है उसका नाम हमें कैसे रखना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम रखा था, तो उसके पहले मैंने अपने नाम को सर्च किया था। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ रमन PV03। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा चैनल है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर ये देखिए आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा चैनल है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो इसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जब मैंने इसे अपना चैनल सर्च किया था तब मेरे पास यहाँ पर 3 चैनल शो हो रहे थे यहाँ पर, जिसमें कि एक चैनल के तो उस समय 100 सब्सक्राइबर थे और दूसरे के मेरे हिसाब से वहाँ पर 10-20 सब्सक्राइबर ही थे दूसरे के। तो मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरा चैनल 3rd नंबर पर आता था। मैंने उन दोनों भाइयों को क्रॉस किया और उसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो 1st नंबर पर आ गया। तो सबसे फ्रेंड्स, पहला जो इसका रूल है कि आपको अपने चैनल अच्छी तरह से सर्च कर लेना है। अगर आपका चैनल 1st नंबर पर आता है तब ही आपको अपना चैनल उस नेम पर क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं चैनल के बारे में, दूसरे के बारे में कि आपका चैनल है उसमें 2 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे कि मेरा एक तो आ गया रमन और सेकंड आ गया PV03। अगर आप ऐसे रख लेते हैं, जैसे कि मैं रमन दीप रख लेता हूं तब भी मेरा चैनल सही है। अगर मैं ऐसे रख लेता हूं कि रमन दीप सिंह, तो ये 3 अक्षर का हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि और भी कई बहुत सारे चैनल होते हैं, जैसे कि आप किसी भी क्रिएटर का चैनल देख सकते हैं, उनका चैनल है वो सिर्फ 2 ही अक्षर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप टेक्निकल जोगी का देख सकते हैं, मनोज दे का देख सकते हैं, और भी आप बहुत सारे चैनल यहाँ पर देख सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही वर्ड के होते हैं, उससे बड़ा उनका नहीं होता चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज रखनी होगी कि आपका जो चैनल का नेम है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से सर्च कर लेना चाहिए। उसके बाद आप बहुत से भाई सोचते होंगे कि सर, मैंने तो अपना चैनल पहले ही क्रिएट कर लिया, अब मैं उसका क्या करूँ, मैंने उसे 3 बार अपना नाम रीचेंज भी कर लिया, अब मैं उसका नाम रीचेंज भी नहीं कर सकता, तो अब मैं उसका करूँ तो क्या करूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपने चैनल के लोगो पर जाना है, उसके बाद आपको जाना है YT स्टूडियो पर। ये सेटिंग जो फ्रेंड्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आपका चैनल 1st नंबर पर आता है तब भी आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है यहाँ पर नीचे और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे भी सेटिंग करनी होगी मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जर्नल आ गया, तो यहाँ पर आपको USD रहने देना है। यहाँ पर आपको USA की जो डॉलर की पेमेंट है वो डॉलर में शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इंडियन रुपीज में शो हो, तो वहाँ पर आप यहाँ पर INR पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है INR, ये देखिए यहाँ पर इंडियन रुपीज़ पर कर देंगे तो आपके पास जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में ही शो होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड पर चलते हैं चैनल वाले पर। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा था कि ये सबसे इसका बेस्ट वाला पार्ट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मेरा नाम आ गया। ये फ्रेंड्स आपके, जब आप इसे ओपन करेंगे आपके यहाँ पर स्क्रीन पर सिर्फ आपको अकेला ये नाम ही शो होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर आपको कीवर्ड डालनी होगी। कीवर्ड देखिए फ्रेंड्स आपको ये देखिए यहाँ पर पहले तो मैंने अपना नाम लिख दिया रमन PB03, उसके बाद मैंने लिख दिया रमन PB03, उसके यहाँ पर मैंने स्पेस डाल दी, उसके बाद मैंने लिख दिया रमन पक्का, मेरे गांव का नाम पक्का है तो मैंने यहाँ पर पक्का कला है मेरे गांव का नाम, तो मैंने यहाँ पर पक्का लिख दिया। उसके बाद मैंने बड़े अक्षरों में लिख दिया, फर्स्ट जो मैंने लेटर है वो कैपिटल कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया रमन PB03, यहाँ पर रमनदीप सिंह, यहाँ पर रमन और यहाँ पर बड़े आर से मैंने रमन लिख दिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपने चैनल पर कीवर्ड डाल लेने हैं, इसके जरिए आपका जो चैनल है वो फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर फ्रेंड्स आपको अगर YouTube पर कामयाब होना है तो आपको ये वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कस्टम सेटिंग पर, तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ उसका, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वीडियो रखनी है आप वहाँ पर सेलेक्ट करके कोई भी वीडियो वो वहाँ पर फर्स्ट पर रख सकते हैं कि आपके यूज़र को आपकी ये वाली वीडियो फर्स्ट पर शो हो अगर वो आपके चैनल पर फर्स्ट बार आता है तो। ये देखिए आपके पास यहाँ पर जो आपने टॉप की अपलोड की है वो वाली आ गई, यहाँ पर आप अपनी पॉपुलर वीडियो को रख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर सिंपली पेंसिल के बटन पर ओके करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको सिंपली सा वीडियो को ऐड कर देना है। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली अपनी मोबाइल ट्रिक्स एंड टिप्स के नाम पर, उसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट डाल दी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऐड सेक्शन पर करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी एक प्लेलिस्ट को और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ऐसे ये प्लेलिस्ट शो नहीं करेंगी, आपको यहाँ पर ऐड सेक्शन पर करना होगा, उसके बाद आप अपनी किसी भी प्लेलिस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ पर बैक, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट फॉर चिल्ड्रन किड्स कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांडिंग और इन्हें यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर एंड ऑफ वीडियो कर रखा है, तो आप भी यहाँ पर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर फीचर वाले पर, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर कुछ नहीं किया अभी तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना है अपलोड डिफॉल्ट पर, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टैग डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो टाइटल होते हैं वो यहाँ पर आपको फिक्स करके लिख लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने कुछ लिंक दे रखे हैं, जैसे कि बायो का, M1 माइक, ट्राइपोड का, गेमिंग माउस और कीबोर्ड का। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो में डालनी हो वो चीज़ आप यहाँ पर सिंपली से एक बार पेस्ट कर सकते हैं और सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको वो आगे से उसमें ना डालनी पड़े, तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अनलिस्टेड पर कर देना है, आपको यहाँ पर प्राइवेट पर भी नहीं करना है और पब्लिक पर भी नहीं करना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको यहाँ पर अनलिस्टेड पर ही क्यों कर लेना है। उसके बाद एडवांस पर चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, यहाँ पर आपको हिंदी कर लेना है। अगर आपका टेक चैनल है तो यहाँ पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी कर लेना है। यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सभी ऐड को आपको ओके कर देना है। आपके पास यहाँ पर मिड रोल ऐड अगर इनेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर इनेबल करके यहाँ पर सिंपली सा सेव के बटन पर ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड फ्रेंड्स है हमारा ऐड लोगो। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लोगो को कैसे ऐड कर लेना है, फ्रेंड्स आपको कोई भी एक लोगो क्रिएट करना है अपने चैनल पर और जब तक आपके 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक आपको उस लोगो को चेंज नहीं करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर RD के नाम पर एक लोगो अपना क्रिएट किया है, नीचे मैंने लिखा है रमन PB03। तो आपको वैसे ही अपना कोई भी एक लोगो क्रिएट करना है कि आप उसे बाद में चेंज ना कर सकें या आपको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप इतना अच्छा बनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चैनल आर्ट के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ पर अपना चैनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक चैनल का यहाँ पर एक बैनर शो होगा। तो ये देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बैनर शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया रमन PB03, यहाँ पर आ गया टेक टिप्स, टेक न्यूज, कंप्यूटर ट्रिक्स, बेस्ट ऐप। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपना क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ये वहाँ पर कोई अच्छा नहीं बना इतना, आप यहाँ से बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स आपके चैनल के लिए बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखते हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन की, आप वहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, बेस्ट कीवर्ड कहाँ से ढूंढ सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको वहाँ पर रेफर करूँगा ट्यूबबडी के बारे में। ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री है, ये देखिए यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर शो हो रहा है, आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हैं। गूगल की तरफ से ही ये फ्री होता है यूट्यूब पर। ये फ्रेंड्स एक आप इसे यूट्यूब का टूल ही मान सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर एक किसी भी एक क्रिएटर की वीडियो ओपन कर देता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किसी भी एक क्रिएटर की वीडियो कोई भी देख लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मनोज दे लिख लिया और मैं यहाँ पर इस बाइक की कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली इसकी वीडियो ओपन कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिंपली से ऑफ कर दिया। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर इसका हमें सारा डाटा यहाँ पर ये देखिए आ गया कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, इस बाइक के टोटल चैनल पर व्यू कितने हैं, और जो इस बाइक ने वीडियो डाली है उसमें क्या क्या है, उसमें हाई थंबनेल है, तो ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ पर टैग्स देखें तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कोई भी टैग नहीं डाला, तो मैं आपको और बता देता हूँ कोई वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखिए वहाँ पर मनोज भाई की वीडियो पर तो हमें टैग शो नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं शो हुए। तो ये देखिए भाई ने लगाए नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये देखिए मैंने यहाँ पर टेक्निकल इसरार सर्च किया, और उसके बाद ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर सारे टैग आ गए। आपको फ्रेंड्स सेम ये वाले टैग कॉपी नहीं करने, आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है इन टैग्स को। तो जैसे कि यहाँ पर इस भाई ने हमें लिखा है कि आप अपने जो आपका पुराना चैनल है उस पर आप ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है उसके टाइटल में, उसके टैग में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, और उसके बाद आप वहाँ पर उसे एज इट इज लिख सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमें वीडियो को अनलिस्टेड क्यों करना चाहिए। अगर हम जब भी कोई भी एक वीडियो डालते हैं तो हमें उसे अनलिस्टेड क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को अनलिस्टेड करने से हमें यह बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप अपनी कोई भी वीडियो को उसी समय पब्लिश कर देते हैं तो उसके 10-15 मिनट तक YouTube आपकी वीडियो को देखता है, उसको चेक करता है। जितने भी व्यूज़ आपकी वीडियो पर फर्स्ट 10 से लेकर 20 मिनट के अंदर आते हैं उनका आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता, उनका आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता उस वीडियो का। उस वीडियो को यूट्यूब चेक करता है, उसमें उसके बाद ही वो ऐड लगाता है। तो इसके लिए आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखना होता है। आप अपनी वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं अपने उसी टाइम पर जिस टाइम पर आप वीडियो को डालना चाहें। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि वीडियो को अपलोड करने की वे कौन सी है। बिल्कुल एग्जैक्ट वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पर ओके नहीं करना, आप यहाँ पर ओके कर देते हैं, यहाँ पर अपलोड पर ओके कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड वीडियोस कर देते हैं, आपको यहाँ पर भी नहीं करना। आपको सबसे पहले अपने कंटेंट पर जाना है, आपको अपनी सारी वीडियोस ओपन कर लेनी है। देखिए यहाँ पर मेरी सभी वीडियोस आ गई, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर ओके कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड पर ओके कर देना है। आपको सीधा सिंपली वहाँ पर ओके नहीं करना, आपको यहाँ पर जाकर ओके करना है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री कॉपीराइट म्यूजिक, फ्री कॉपीराइट इमेज और वीडियोस जिन पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे वो डाउनलोड करनी है, तो म्यूजिक के लिए तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर ही बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि हमें फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं म्यूजिक। उसके बाद अगर आप इमेज और वीडियोस चाहते हैं तो वो आपको पिक्सा बे पर अच्छे से मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इस पर फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद बहुत से भाई मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें किस देश के अकॉर्डिंग वीडियो डालनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी एक देश को टारगेट करके वीडियोस डालते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा, जैसे कि आपको इंडिया का ये देखिए आप CPMU है वो इंडिया का सबसे लास्ट पर है। तो अब अगर ये देखिए यहाँ पर आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी कंट्री का हमारे पास 10 शो हो रहा है, किसी का कितना शो हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी को भी आप यहाँ पर टारगेट करके उसके अकॉर्डिंग वीडियो डाल सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बोनस के बारे में। बोनस में फ्रेंड्स मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आपको फ्रेंड्स ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आप अपनी जो वीडियो है वो इंग्लिश में क्रिएट करें, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो हमारे देश से छोड़कर और भी बहुत सारे देशों में देखी जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा अच्छा रेवेन्यू मिल सके।
उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड बोनस फैक्ट की बात करते हैं। आप अगर कभी भी अपना कोई भी टाइटल लिखते हैं तो आपको हिंदी का यूज़ नहीं करना है, आपको अपना कोई भी टाइटल लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। टैग्स में आपको कोशिश करनी है कि आपके ज़्यादातर टैग्स हैं वो इंग्लिश में ही हों, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कोशिश करनी है कि आपकी थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में ही हो। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें कि आपको वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर जाना होगा अपने एनालिटिक्स में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एनालिटिक्स के जाने के बाद उसके बाद आपको जाना है ऑडियंस पर। ऑडियंस पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मंडे का चेक करना है कि मंडे को मेरे को वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए। तो मंडे को ये देखिए फ्रेंड्स, रात को 12 बजे के करीब मेरे पास ट्रैफिक वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद मेरे पास सुबह 11 बजे तक मेरे पास यहाँ पर ट्रैफिक होता है, सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक मेरे पास काफ़ी होता है। उसके बाद मेरे पास फ्रेंड्स 9 बजे के करीब मेरे पास यहाँ पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 8 बजे के बाद मेरे पास ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं आपकी किसी भी वीडियो को 8 बजे के बाद डालता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पर सभी पे देख लेता हूँ। ये देखिए अगर मैं किसी भी डेज को 8 बजे के बाद कोई भी वीडियो डालता हूँ, तो मेरे जो चैनल पर व्यू है वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस समय पर आपको वीडियो अपलोड करनी चाहिए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स जो भी टॉपिक रह गए, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।